दिव्या, हाय, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? नमस्कार, आप बताइए। मैं अच्छा हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज के शो इंडिया की उम्मीद में, और पूरी उम्मीद है कि आपको ये शो उतना ही अच्छा लगेगा, उतना ही मजा आ रहा होगा। सबसे पहले एक ये शुरुआत जो कई लोगों के दिमाग में आता है, एक सवाल, उस सवाल से शुरुआत करता हूँ, और वो ये है कि आपने पहले से ही सोच लिया था, बचपन से ही सोचा था रेसलिंग करने के लिए, कुश्ती लड़ने के लिए, ये किस तरह से मन में विचार आया, शुरुआत कैसे? ये पहले हमारे मतलब गांव में मेरे पापा जी करते थे, फिर मेरे दादाजी ने भी की है, फिर मेरे भाई ने स्टार्ट करी, तो फिर उनको देख के फिर मेरा स्टार्ट हुआ कि मुझे भी करनी चाहिए। फिर ऐसे ही बचपन में हम दिल्ली में थे, तो मैंने दिल्ली से स्टार्ट करी ये प्रैक्टिस, और पहले मैं लड़कों से कुश्ती लड़ती थी, और फिर बाद में धीरे धीरे प्रोसीजर मैट पे स्टार्ट किया, और फिर आज मैं आपके सामने हूँ। शुरुआत में अब ये है कि जब शुरुआत करनी पड़ती है तो शुरुआत में आपको सोसाइटी से बहुत सारी जो रोकथाम होती है, जो सवाल जवाब आते हैं सोसाइटी, रिलेटिव्स के, पड़ोसियों के, इवन अखाड़े तक के, तो क्या ये शुरुआत में बड़ा आसान रहा था आपके लिए कि वहाँ राह बनाना, और बकायदा कई सारे अखाड़े तो मना कर देते हैं कि नहीं, हम लड़कियों के साथ दंगल नहीं लड़ेंगे, या इनको नहीं सिखाएंगे कुश्ती नहीं लड़ेंगे? हाँ जी, पहले पहले बहुत ज्यादा मना किया था सभी ने कि रेसलिंग नहीं करनी चाहिए, ये लड़कों का गेम है, उसमें चोट वगैरह की दिक्कतें ज्यादा रहती है। पर लेकिन आपको पता ही है कि अगर कोई इंसान कोई बड़ा काम करता है तो उसमें पहले रोकथाम सब करते ही है, रुकावटें आती है, पर लेकिन आगे चल के फिर सब सही हो जाता है। और मेरे जो फादर साहब थे, मेरे जो पापा है, तो उन्होंने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने मुझे रेसलिंग स्टार्ट कराई। आप कई बार अपनी बातों में, जितना मैंने आपके बारे में जाना है और पढ़ा है, सुना है, कि अपने पिताजी को, अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा अपने लिए एंकर मानती हैं, और बताती हैं कि बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा आपके लिए, क्योंकि शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी, बहुत विपरीत परिस्थितियां थी, पैसे बिल्कुल नहीं थे, तो इसमें आपके पिताजी ने, श्री सूरज सेन जी ने, और आपकी माता जी संयोगिता सेन, और आपके भाई देव ने काफी आपके लिए मदद की, इवन उन्होंने बाद में अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी, तो ये शुरुआत उन्होंने आप ही के लिए शुरू से फोकस कर रखा था सब लोगों ने कि अब इनको आगे बढ़ाना है? हाँ जी, हाँ जी, एक रेसलर को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी पैसा लगता है, और परिवार को पूरा सहयोग देना पड़ता है, तो उन्होंने वो किया, उन्होंने पूरा सहयोग दिया। पहले मेरी मम्मी जान रोड काटती थी, तो फिर मेरे पापा बेच के आते थे, फिर तो टाइम नहीं लगता था अखाड़े जाने का, तो फिर इसलिए मेरा भाई मेरे साथ अखाड़े जाता था, और उसने मुझे फिर मतलब आगे बढ़ाने का जज्बा दिखाया, और फिर हम साथ में प्रैक्टिस करने लगे। दंगल लड़ने के लिए, जैसे कि हम लोगों ने दंगल मूवी में ही वैसे देखा था कि बड़ी रोकथाम तो होती है, और शुरुआत में कोई लड़कियों से अक्सर पहलवान दंगल नहीं लड़ना चाहते हैं, मना कर देते हैं, लेकिन आपके साथ ठीक उलट हुआ था शुरुआत में, शायद एक दो बार मना करने के बाद, तो आपने मिट्टी में भी लड़ाई की, दंगल लड़ा और मिट्टी का भी एक स्वाद चखा, और मिट्टी में, और उसके बाद आई आप मैट पर, मिट्टी में और मैट पर, इन दोनों जगह पर कुश्ती करने में, रेसलिंग करने में क्या फर्क होता है, और आपको कहाँ ज्यादा मजा आता है, क्योंकि आप दंगल क्वीन भी रही हैं? हाँ जी, मिट्टी की पहलवानी सिर्फ मिट्टी तक है। जब हम मिट्टी में लड़ते थे तो वो तो कितनी मतलब सिर्फ इसलिए लड़ते थे कि घर की स्थिति ऐसी थी, तो दंगल में तो इसलिए लड़ते थे, पर मिट्टी की जो पहचान है वो कुछ गांवों तक है, जो गांव में लोग रहते हैं वो मतलब मिट्टी के दंगलों को ज़्यादा जानते हैं, पर लेकिन जो मैट की पहलवानी है वो ओलंपिक तक ले जाती है हमें। तो पहले जब मैं मिट्टी तक लड़ती थी तब तक सीमित था, तो मिट्टी तक हम सिर्फ गांव में हमारी पहचान हो सकती है। फिर मैंने मैट स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि नेशनल इंटरनेशनल भी होते हैं, तो फिर मैंने मैट की कुश्ती स्टार्ट करी, और आज मैं एशियन गेम्स में, सॉरी, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है। तो ये मतलब ऐसे ही चलता रहा सब, तो अभी क्योंकि मैट ओलंपिक में भी है और हम मैट से ही पूरे वर्ल्ड में लड़ सकते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत फासला था पॉइंटों का, क्योंकि मिट्टी में प्रॉब्लम नहीं होती है पॉइंट्स में, मैट में प्रॉब्लम होती है, एक पॉइंट देते ही हम कुश्ती भी हार सकते हैं, जीत सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जैसा कि मैंने आपके जस्ट ज्वाइन करने से पहले भी बताया था कि आपने पूरे देश को, हम लोगों को एक गर्व करने का मौका दिया, एक अवसर प्रदान किया है। आपने अभी कॉमनवेल्थ गेम्स जो बर्मिंघम में हुए थे 2022 में कुश्ती में 68 किलोग्राम और 60 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और इससे पहले भी जो आपके मेडल के रिकॉर्ड्स रहे हैं तकरीबन 60 मेडल, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को नहीं पता, जिसमें से 17 हैं गोल्ड मेडल, वो गोल्ड मेडल हैं जो इन्होंने दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप में जीते थे, 8 बार ये भारत केसरी रही हैं दंगल में, और दंगल क्वीन कही जाती है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि इसमें देव जी का और आपके कोच हैं जो मेंटर हैं, उनका कितना हाथ रहता है कि अगर आप
आपको किसी एक अपोनेंट के साथ मैच लड़ना है तो मैच से पहले आपकी क्या तैयारी रहती है, स्ट्रेटेजी क्या रहती है, क्या आप भी वीडियोस देखती हैं, खंगालती हैं, उनके पैतरे समझती हैं, एक नई स्ट्रेटेजी प्लान करती हैं हर बार कि यार ये कंपटीशन अलग है तो इसमें अलग होगा? हाँ जी हाँ जी, ये तो हर एक पहलवान करता है, हर एक गेम के खिलाड़ी करते हैं, तो वही मैं भी ऐसे करती हूँ, पर लेकिन मैं इतना फोकस नहीं करती इन चीज़ों पे, क्योंकि अगर ज़्यादा इस चीज़ को सोचते हैं कि उसकी कुश्ती कैसी है तो हम उसकी तरह ही लड़ने लग जाते हैं, तो हमें अपनी कुश्ती पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, तो मैं वही करती हूँ, मैं अपनी रेसलिंग ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ, अपनी कुश्ती ज़्यादा मैं अपने तरीके से ज़्यादा लड़ती हूँ और अपोनेंट्स की थोड़ा कम ही देखती हूँ। मैं आपके कुछ रिकॉर्ड सब लोगों के सामने यहाँ पर रखना चाहूंगा। एशियन गेम्स 2018 जकार्ता में आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला था 68 किलोग्राम। कॉमनवेल्थ गेम्स में दो बार 2018 गोल्ड पोस्ट और 2022 अभी रिसेंटली बर्मिंगम में ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती में। गोल्ड मेडल 2021 अल्माटी में एशियन चैंपियनशिप में आपने जीता था 72 किलोग्राम और 2020 में न्यू दिल्ली में गोल्ड मेडल एशियन चैंपियनशिप में। सिल्वर मेडल 2017 में न्यू दिल्ली में, ब्रॉन्ज मेडल 2019 में साइन में और गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 2017 जोहान्सबर्ग में। इतनी सारी उम्मीदें, इतने सारे मेडल, कई बार बिल्कुल ऐसा भी लगता होगा कि अब तो मतलब शायद जगह कम पड़ रही घर में, लेकिन आपको देखकर लगता है कि अभी आपकी भूख कम नहीं हुई है, अभी और मेडल लाने हैं और मेडल जीतने हैं और लगातार आगे बढ़ना है। अगर आपने भूख की बात करी तो ये सिर्फ अभी स्टार्टेड है, स्टार्टिंग है बस, जैसे खाने से पहले स्टार्टर आता है, तो अभी ओलंपिक का मेडल मिलने से पहले ही सिर्फ स्टार्टिंग है, तो अभी बहुत मेहनत करनी है, देश का बहुत नाम रोशन करना है, घर वालों को और नाम रोशन करना है और अपने सपने पूरे करने हैं, ओलंपिक से मेडल लाना है। मुझे भी हमेशा यही आपके लिए लगता है कि जब भी मुझे लगता है पूछता हूँ, मैं कहता हूँ देखो ये तो उनके भी स्टार्टिंग है, अभी तो और आगे बढ़ना है, तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और बहुत ज्यादा पोटेंशियल अभी उनके साथ, उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर भी करना है, आगे भी बढ़ना है। एक सवाल और कि आप प्रैक्टिस में रहने के लिए और पूरी तरह से शेप में रहने के लिए किस तरह की डाइट फॉलो करती हैं, और क्या डाइट भी कभी इधर उधर थोड़ी बहुत हेल्थी है या मतलब आप चीट मील की तरफ जाते हो? नहीं, जो मेरे फियांसे है तो वो बॉडी बिल्डर है, तो डाइट का ध्यान वो ही रखते हैं मेरा, और अगर कभी मुझे चीटिंग भी करनी होती है, जैसे अभी मेरा थोड़ा ऑफ टाइम चल रहा है तो अभी मैं बाहर का थोड़ा बहुत खा रही हूँ, शेड्यूल के हिसाब से ही खाते पीते हैं और शेड्यूल के हिसाब से ही मैं पूरा डाइट फॉलो करती हूँ, तो यही होता है कि अपना मिर्च वगैरह का तो हम खाते ही नहीं है, तो सारा शेड्यूल में रहता है कि वजन कितना कम करना है, उस हिसाब से ही हम केजी के हिसाब से खाते हैं, एक दो केजी की अगर हमारा प्रैक्टिस में गया तो हम एक केजी की रिकवरी करते हैं, इस तरीके से खाना पड़ता है। मुझे एक सवाल मेरे दिमाग में बड़ा खटकता है, मुझे आपसे पूछना था, एक बड़ा लवली सा क्वेश्चन है और वो ये है कि 68 किलोग्राम अगर ऐसे होता है कि ये 68 किलोग्राम 68 किलोग्राम रेसलिंग अगर आपको लड़नी है तो आपका वजन 68 किलोग्राम ही होना चाहिए, मान लीजिए अगर 67 रहा या 69 या 70 हुआ तो क्या कुछ फर्क पड़ता है? हाँ जी, अगर 68 100 ग्राम भी रहा तो भी हम नहीं खेल सकते। अच्छा, आप क्वालिफाई नहीं करेंगे? नहीं, तो फिर वो हमारा वेट ही नहीं लेंगे, हमें डिस्क्वालीफाई कर देंगे, और 67-66 चल सकता है, कम चल सकता है, ज्यादा नहीं चल सकता। तो आपके लिए तो बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ जाता होगा, आपको तो और ज्यादा डिसिप्लिन की परीक्षा होती होगी आपकी, क्या मन भी करता होगा कई बार, लेकिन आप ना तो चीट मील कर पाते होगे, ना चीट डाइट कर पाते होगे, ना चीट डे ऐसा कुछ रहता है? नहीं, उस टाइम पे तो हम कुछ ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि एक एक किलो फिर ग्राम पे आता है, 500-500 ग्राम, फिर 100 ग्राम पे भी आता है, तो कभी कभी मतलब एक घूंट पानी भी नहीं पी पाते हम एक दिन पहले, क्योंकि वेट पूरा प्रॉपर दिखाना होता है, तो इसलिए 10-10 किलो 5-5 किलो हम वेट भी लूज करते हैं, और लास्ट टाइम पे फिर हम 100-200 ग्राम भी हमारा रह जाता है, तो हमें पानी अवॉइड करना पड़ता है, और जब कंपटीशन बहुत करीब रहता है तो एक दो दिन तो हमें खाना भी अवॉइड करना पड़ता है। मैं बस एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी ऐसा भी हुआ होगा क्योंकि बीच में, या आपको क्या डर नहीं लगता कि पहले आप दंगल भी अड़ रही तो कि इंजरीज हो जाएगी मुझे, और सबसे पहले घर वालों को चिंता होती है कि अभी हाथ पांव टूट गए, इंजरीज हो गई तो क्या होगा, और इंजरीज अगर हुई है तो कभी ऐसा कोई मौका आया कि आपको लगा कि नहीं यार अब मैं मतलब कुश्ती नहीं लड़ सकती, अब मैं फाइट नहीं कर सकती, मुझे छोड़ देना चाहिए, ऐसा कोई मौका लाइफ में कभी कभी एक पॉइंट पर ऐसा कुछ हुआ? नहीं, देखिए अगर हम कोई भी गेम कर रहे हैं उसमें इंजरी तो सबसे पहले होती है, कोई भी गेम हो इंजरी तो होनी है, तो उसके लिए हम मतलब स्ट्रेचिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं और
मतलब चीजों का ध्यान रखते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह का और मल्टीविटामिन्स वगैरह का। और अगर फिर भी लग जाती है तो जैसे 2016 में मेरे चोट लगी थी तो काफी मतलब बुरा टाइम जाता है कि इंजरी में कुछ सोचने समझने की शक्ति हमारी खत्म हो जाती है, क्योंकि रोज एक बंदा प्रैक्टिस कर रहा है और फिर इतना गैप हो जाता है 6-6 महीने का, तो काफी लो फील करते हैं। पर लेकिन जब इंजरी ठीक हो जाती है तो फिर वापस से जब डबल मेहनत करते हैं तो फिर रिकवरी हो जाती है। अच्छा, तो एक और मुझे बात आपसे जाननी थी, कोई भी ऐसा अनूठा किस्सा आप हमसे शेयर करना चाहें, कोई बताना चाहें जो एक अलहदा हुआ, अनूठा हुआ आपके साथ अभी तक आपकी लाइफ में? क्योंकि एक दो मैंने सुने हैं लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप भी कुछ बताएं। अभी तो क्योंकि मेरा ध्यान नहीं है ऐसे कुछ, पर लेकिन अगर आपके मेंटर साहब थे, जो आपके मेंटर साहब है, आपके पासपोर्ट की एक प्रॉब्लम चल रही थी शायद बिश्नोई शहर, तो वो एक बार खंभे पर चढ़ गए थे और उन्होंने कहा था कि देखो इस लड़की का पासपोर्ट जल्दी से पहुंचना चाहिए और इसको बाहर जाना है, तो उन्होंने नहीं किया था। वो दीपक अंजुय प्रसाद अंकल है, वो हमारे साथ ही रहते थे, वो उन्होंने किया था ऐसा। अच्छा, तो वो मेरा 2013 में मेरा पासपोर्ट उस टाइम पे नहीं बना था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो तब उन्होंने वो सब किया था, तब वो पासपोर्ट बन गया था। लेकिन ये मुझे बड़ी बड़ी अच्छी घटना लगी, मतलब ये इतनी इंटेंसिटी और इतनी उनके अंदर फीलिंग थी आपको लेकर कि नहीं मैं चाहता हूँ कि ये आगे जाएं और इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ और इसका पासपोर्ट जल्दी से जल्दी सब मैंने तैयारी की बनना ही बनना चाहिए, इस तरह की मतलब बड़ी उनकी आपके लिए फीलिंग रही, ये बड़ी कमाल की बात है। मैंने जब पता किया तो मैं मतलब मेरी आंखें मॉइस्ट हो गई थी आपसे उस बारे में जानने के लिए कि आपकी माता जी घर पर लंगोट सिलती थी और पिताजी उसको बाहर बेच कर आते, और शुरुआत में इतनी आदत खराब थी कि आप पहले दंगल लड़ भी रही थी। आपकी पहली कमाई को लेकर भी एक सवाल मैंने लोगों से पूछा है, अगर आप इजाजत दें तो वो एक सवाल पूछ लिया जाए, और वो ये है कि दिव्या जी की पहली कमाई कितनी थी, क्या आप लोग बता सकते हैं? 30 रुपए या 300 रुपए? 30 रुपए। और आई थिंक ये बिल्कुल 30 रुपए ही थी जितना मुझे अच्छे से पता है, जितना से आपने 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाया था, 10 रुपए आपने अपनी माताजी को दिए थे, 5 रुपए आपने अपने बड़े भाई को दिए थे, 5 रुपए आपने अपने छोटे भाई को दिए। तो ये बड़ा अच्छी बड़ी अच्छी फीलिंग रही है, बड़े कमाल का मतलब ये रहता है आपका सोच के आप हमेशा टुवर्ड्स द फैमिली, फैमिली के बारे में ही सोचते हो, और ये भी अच्छा है कि देन उसके फैमिली आपके बारे में सोचती है और वो बिल्कुल आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप ही रहते हो। और यहाँ पर आंसर भी 51 आए हैं, गलत लोगों ने दिया कि 300 रुपए। गाइस 300 रुपए नहीं है वो, 30 रुपए ही है, बात सच है, आप लोग शॉक हो जाएंगे, लेकिन 30 रुपए से 3000 रुपए तक का सफर आपने तय किया दंगल में, ये भी अपने आप का कमाल। 30 रुपए आए थे तो वो और जब वो 3000 रुपए आए थे तो वो मैं एक लड़के से लड़ थी रामपुर में, वो वीडियो है यूट्यूब पे, तो पब्लिक बहुत खुश हो गई थी, तब मेरे पास 3000 रुपए आए थे, वो मुझे उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इनमें सब कुछ हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं था, 3000 रुपए में कुछ नहीं होता। तो 30 रुपए कमाने से फिर 3000 रुपए कमाए, फिर 3 लाख कमाए, तो 3 लाख तक का सफर भी बहुत गहरा था। तो ये लाइफ है, जितना हमें मिलता रहेगा हमें और भूख लगती रहेगी, लगती रहेगी, भूख कभी खत्म नहीं होनी चाहिए इंसान जी, भूख बिल्कुल खत्म नहीं होनी चाहिए कभी, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ और इत्तेफाक रखता हूँ आपकी इस बात से, और गायक मुझे लगता है आप लोग भी इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि अगर वो भूख खत्म हो जाएगी तो हमारे पास और मेडल्स नहीं आएंगे, और हमें अभी आपसे बहुत ज्यादा मेडल्स की दरकार है, और आपसे हमें बहुत ज्यादा आपका सपोर्ट भी चाहिए और आपसे चाहिए कि इतने सारे मेडल आ जाए। अच्छा, एक सवाल और है मेरे पास, कैंडिडेट कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, बड़े लवली से क्वेश्चन रखे हैं मैंने। अक्सर कहा जाता है कि मतलब लड़कियों को गोल्ड बहुत पसंद होता है, अक्सर वो गोल्ड को सोने को बहुत पसंद करती है, तो आपको ज्यादा क्या पसंद है, गोल्ड या गोल्ड मेडल? गोल्ड मेडल ज्यादा पसंद है, जैसा कि मैंने सोचा बिल्कुल आंसर वैसा ही आया, और आई थिंक आप लोगों भी यही मानेंगे गोल्ड मेडल ज्यादा पसंद है दिव्या को, क्योंकि गोल्ड मेडल देश के लिए आता है, खुद जीती है और आप सब लोगों के पास आता है। एक सवाल और है मेरा, और अगर आप कहें तो वो उस सवाल को भी मैं ले लेता हूं, और ये है कि दिव्या जी को किस चीज से डर लगता है? मुझे इसका कुछ कुछ अंदाजा है, भूत प्रेत से या ऊंचाई से? भूत प्रेत से। अच्छा, लेकिन आपसे मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे जो पहलवान हैं, जो रेसलर हैं, वो डरते हैं लड़ने में, और आपको भूत प्रेत से डर लगता है, और अक्सर मतलब ऐसा होता है, मुझे अंधेरे से भी डर लगता है, मुझे भूत प्रेत से बहुत डर लगता है। अच्छा, होती हूँ तो मैं लाइट बंद करके नहीं सोती, मैं लाइट जला के सोती हूँ।
कमाल है ये, मतलब मैं ये सच में पहले मान नहीं सकता था मैंने कि जब मैंने एक बार सोचा तो सोचा आपसे रिकन्फर्म जरूर करूंगा कि क्या ये बात सच है या नहीं। और यहाँ पर जैसे लोगों ने आंसर भी दिया वो ऊंचा ही कह रहे हैं लेकिन असली आंसर दिया। अगर मैं मतलब रात पूछती भी थी पानी पीने के लिए, या बचपन में मुझे बहुत भूख लगती थी रात को खाने उठती थी, मैं अपने भाई को उठाती थी कि चल मेरे साथ रसोई में चलो, क्या मैं नहीं जाऊंगा, मैंने कहा 2 रुपए दूंगी तेरे को, चल 1 रुपए दूंगी, ये करके उसको बहाने बना के मैं रसोई में ले जाके जाती थी, तब खाना पीना खाया। हाँ जी, मेरी दोस्त नीना थी उसको मैं ये बोलती थी प्लीज मेरे साथ चल, मुझे बहुत तेज वॉशरूम आया है प्लीज, तो कहती थी 5 बज रहे हैं सुबह, मैंने कहा अंधेरा तो हो रहा है ना, मैंने कहा मुझे नहीं जाना, फिर मैं उसको साथ लेके जाती थी। अच्छा ये लेकिन एक अलग बात है कि आपको वैसे डर लगता होगा 5 बजे अकेले जाने में, लेकिन जब आपको एक्सरसाइज करनी हो तो कभी कभी आप अपने डैडी जी को पापा जी को 1 बजे जगा देती थी कि चलो 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 दौड़ने चले, एक बार ऐसा हुआ था। हाँ जी, वो मेरे दादाजी के साथ हुआ था, जब मेरे बाबा जी मुझे प्रैक्टिस कराते थे तो मुझे उस दिन वो घड़ी खराब हो गई, पता नहीं क्या हुआ, तो उसमें बज रहे थे 5:30 बज रहे थे या 4 बज रहे थे, तब मैं हम पहले उठते थे, तो फिर मुझे लगा कि शायद 5 बजे उस घड़ी में 4 बज रहे थे और मुझे लगा मैं लेट हो गई, मुझे लगा कि वो रुक भी रही है, तो रात को मैंने अपने बाबा जी को उठाया और हम प्रैक्टिस करने चले गए, फिर एक पुलिस वाले ने रोका था कि कहाँ जा रहा है, तो इसको ले गए, फिर उसने कहा कि भाई प्रैक्टिस पे जा रहे हैं रात को 1 बजे। तो पापा जी ने फिर आपको बहुत डांटा हुआ है, रात को 1 बजे तुम उठा देती हो मुझे दौड़ने के लिए और मतलब ले जाती हो एक्सरसाइज करने के लिए, ऐसा भी होता है। वेल, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो बहुत से सवाल है मेरे पास अभी आए हैं कि डिफरेंस अगर पूछा जाए तो डिफरेंस बिटवीन द एक रेसलिंग मूवी होती है और एक रेसलर की लाइफ होती है, इन दोनों में अगर डिफरेंस की बात की जाए अंतर के बारे में तो कितना अंतर होता है, या हमें जो फिल्म में देखने को मिलता है थोड़ा बहुत भी रियलिस्टिक दिखा दो तो क्या बिल्कुल वैसा होता है, वैसा चल रहा होता है लाइफ, या काफी फर्क होता है, ट्रेनिंग में भी फर्क है और फिल्म में जो दिखाया गया वो बिल्कुल असली नहीं है, जो असलियत में वो चुनौतियाँ बहुत ज्यादा ही होती हैं। हाँ जी हाँ जी, नहीं चुनौतियाँ ज़्यादा होती है और ये कितनी चीज़ें हकीकत है, जैसे कि बाहर की चीज़ें खाना अलाउ नहीं होता, बाहर की चीज़ें नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं, और सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन मायने रखता है, फिर मम्मी पापा क्या बोलते हैं बचपन में, क्या हम करते हैं, तो हर एक चीज़ मायने रखती है, और छोटे बाल भी हमें कराने होते हैं, वो तो अभी एंगेजमेंट हुई है इसलिए बढ़ाए हैं, नहीं तो मेरे भी छोटे ही थे पहले। अक्सर तो आपके बालों को यही कहा था कि आप बिल्कुल टॉम बॉय जैसे बाल रखती हो, बहुत छोटे बाल रखती हो, तो शायद शुरू से ही आपने ऐसा रखा है, शुरू से लोग कहता ही रहा है, बचपन से मेरे बहुत छोटे बाल थे, अभी बढ़ाए हैं। बेलिया कमाल की बात है कि रोबोसर पर इस वक्त 50,000 लोग आपको देख रहे हैं, हम सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं आप लोगों को, आपके साथ बात कर रहे हैं, अगर आप लोग भी कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज यहाँ पर क्वेश्चन जरूर भेजें, मैं कोशिश करूंगा कि हम वो उस क्वेश्चन को भी पूछ लें, क्योंकि आप ही के ज्यादातर जो सवाल है उन्होंने सारे सवाल पूछे हैं यहाँ पर दिव्या जी से। Well, कुछ क्वेश्चन वो ये भी है कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, इस अगर मैं सवाल को पूछ लूं तो वो यहाँ पर है भी कि आपकी फेवरेट मूवी दंगल है या सुल्तान है, मुझे कुछ कुछ अंदाजा तो है। भाग मिल्खा भाग जी, भाग मिल्खा भाग। अच्छा, भाग मिल्खा भाग, ओ वाओ, वेरी वेल। अगर कभी मैं प्रैक्टिस भी नहीं करती हूँ, मेरा मन भी नहीं करता है, तो फिर मेरे फियांसे उन्होंने मुझे कहा था कि वो मूवी पूरी देख रहे हैं, किस दिन 2-3 साल हो गए थे मैंने देखी नहीं थी, और अब जब मैंने देखी तो फिर मेरा टारगेट कुछ और ही हो गया। वंडरफुल मूवी, बड़ी कामयाब मूवी है और बहुत ज्यादा इंस्पायर करने वाली मूवी है, मैंने भी देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और मैं सोच रहा हूँ अगर पहलवानी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने दोनों फिल्म देखी है तो शायद आप दंगल को शायद ज्यादा पसंद करती। हाँ जी हाँ जी, अगर पहलवानी के पर्पज से देखिए तो दंगल, माने कि स्पोर्ट्समैन की जो उससे देखते हैं तो फिर भाग मिल्खा भाग। जी बिल्कुल। अच्छा वैसे एक बात और है कि कभी आपने जो चीट मिल तो ली होगी, तो चीट मिल में अगर आप पसंद करती हैं तो मतलब आप घर का खाना ले लेती हैं या नहीं, चलो ठीक है आज थोड़ा ऑयल ले लिया, या फिर बाहर का खाना कुछ पसंद होता है कि चलो आज समोसे ले आओ, कुछ थोड़ा सा चीट करते हैं डाइट में, समोसे छोले भटूरे या कभी आलू दो पराठे हो गए, ऐसा कुछ नहीं। मैं रहती हूँ तो पूरी प्रॉपर डाइट पे रहती हूँ, वरना जब मुझे खाना होता है तो फिर मैं गोलगप्पे टिक्की बर्गर आपको लेकर, तो सबसे पहले तो मैं वो दिखाना चाहता हूँ जो मैंने स्पेशली आपके लिए तैयार किया। लगा के फोन बता
जाते सबको बच के रहियो पागल दिल्ली से चंडीगढ़ से या दिल्ली से तन चारों खाने जिद कर देगी जयपुर से फिट कर देगी टट कर देगी तेरे दांव से बढ़कर बीच मत कर देगी फिट कर देगी फिट कर देगी एक सवाल मुझे आपसे और पूछना था जो अक्सर बहुत सारे आ जाएंगे मैं मुझे प्रैक्टिस पे भी जाना है क्योंकि हाँ जी मुझे प्रैक्टिस पे भी जाना है और आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही आप सब देशवासी खुश रहे और जो बच्चे गेम नहीं करते उनको बोलना चाहूंगी गेम करें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी बोलना चाहूंगी कि वो भी कोई ना कोई गेम जरूर चुने क्योंकि गेम हमारे लिए बहुत अच्छा होता है हमारे दिमाग के लिए भी काफी अच्छा रहता है हमारी भूख भी बहुत ज्यादा बढ़ती है और हमें खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बोलना चाहूंगी कि बाहर की चीजें अवॉइड करके उन्हें घर की चीजें ज्यादा खानी चाहिए और लड़कियों को ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप इस दुनिया में आए हो तो जरूर कुछ ना कुछ जरूर करें कोई ना कोई गेम जरूर चुने क्योंकि आप सबको पता ही है कि पीवी सिंधु जी आज कहाँ है या फिर साइना नेहवाल कहाँ पे है साक्षी मलिक कहाँ पे है गीता फोगाट कहाँ पे है इन सब ने इतनी मेहनत करी है तभी वो आज यहाँ तक है और मैं खुद वो सब मेरे सीनियर हैं मैं उनको देख के आज आगे बढ़ रही हूँ तो आप भी इन्हें देख के मुझे देख के आगे बढ़िए और अपनी पहचान खुद बनाइए।